एवरीवन, आई एम पारुषी शर्मा. करंटली आई एम वर्किंग एज इंटर्न विद लेक्सिस एंड कंपनी एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट अबेटमेंट. सो अबेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी फ्रॉम सेक्शन 107 टू सेक्शन 120. इन दिस सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट, the essential ingredients of abatement, the exceptions for abatement and the punishment prescribed for abatement is discussed. तो basically abatement का मतलब होता है किसी को किसी crime करने के लिए किसी भी particular crime करने के लिए instigate करना, किसी को aid provide करना, किसी को assist करना, किसी को command करना या force करना या किसी को encourage करना. abatement में कोई भी खुद क्राइम नहीं करता बल्कि किसी और को क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट करता है, उसको एनकरेज करता है. अबेटमेंट करने वाले को अबेटर कहा जाता है. जैसे कि हमें पता है किसी भी क्राइम के टू मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं. पहला मेंस रिया और दूसरा एक्टस रियस. मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड और एक्टस रियस होता है गिल्टी एक्ट. तो अबेटमेंट के केस में जो अबेटर होता है उसकी मेंस रिया होती है, लेकिन जो एक्टस रियस होता है वो अबेटर नहीं करता है. अबेटर डायरेक्टली क्राइम नहीं करता है पर उस क्राइम के पीछे उसकी मेंस रिया होती है. और ऑन द अदर हैंड जो क्राइम करता है उसके मेंस रिया नहीं होती लेकिन एक्टस रियस होता है. ऐसे क्राइम को जिसमें केवल एक इंग्रेडिएंट होता है इसे इनकोगेट क्राइम कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट क्राइम. तो सेक्शन 107 ऑफ आईपीसी में अबेटमेंट को थ्री फॉर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है. पहला अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, दूसरा अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, तीसरा अबेटमेंट बाय एड. तो पहले फॉर्म में अबेटमेंट इंस्टिगेट करके होती है, यानी किसी को उकसा के भड़का के होती है. जैसे और ये डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है, लेकिन इस अबेटमेंट का एक्टिव होना जरूरी है. पैसिव अबेटमेंट को अबेटमेंट नहीं माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कहता ए बी से कहता है कि वो अपनी वाइफ का मर्डर करना चाहता है और बी कह दे कि तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, तो इस केस में ये पैसिव अबेटमेंट पैसिव इंस्टिगेशन है और इसे अबेटमेंट नहीं माना जाएगा. पर अगर बी ए को डायरेक्टली एनकरेज करता है, इंस्टिगेट करता है कि हाँ तुम्हें अपनी वाइफ को मानना चाहिए, उसे मानने के बाद तुम्हें ये बेनिफिट्स होंगे या उसकी ये गलती है उसे इसलिए मरना चाहिए, इन सारे ही केस में जो है अबेटमेंट माना जाएगा. और दूसरा है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में जो अबेटर होता है वो क्राइम करने वाले के साथ मिलकर किसी भी क्राइम के लिए एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करता है, यानी एक प्लानिंग तैयार करता है जिस प्लानिंग का एक्शन में जिस प्लानिंग का रिजल्ट होना या नहीं होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है. बस उस अगर वो प्लानिंग ही करते हैं, कॉन्स्पिरेसी ही करते हैं, तब भी वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए भी ये अबेटमेंट माना जाएगा. और तीसरा था अबेटमेंट बाय एड. तो अगर कोई क्राइम करने जा रहा है और उसको एड प्रोवाइड करना, असिस्टेंट प्रोवाइड करना, उसको हेल्प करना क्राइम में, इसको अबेटमेंट बाय एड कहा जाता है. जैसे कि ए किसी का मर्डर करना जा रहा है या ए गुस्से में है तो बी उसे नाइफ दे दे या गन दे दे और कहे कि इससे जाके उसे मार दो, तो इस केस में वो एड प्रोवाइड कर रहा है, उसके क्राइम को फैसिलिटेट कर रहा है. इस केस में इसे कहा जाएगा अबेटमेंट बाय एड, प्रोवाइडिंग एड. और कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अबेटमेंट को डील करते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं. तो अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो अ ऑफेंस. मानिए फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी को अबेट करता है कि वो सी को क्राइम करने के लिए कहे, तो इस केस में ए बी दोनों ही अबेटमेंट के लिए पनिशेबल माने जाएंगे. ए तो बी को अबेट कर रहा है और बी सी को अबेट कर रहा है, तो भले ही सी ने क्राइम किया है लेकिन बी भी अबेटर है और ए भी अबेटर है, इन दोनों को ही अबेटर माना जाएगा. और
अबेटमेंट में ये नेसेसरी नहीं है कि जिस क्राइम के लिए अबेट किया गया वो क्राइम का रिजल्ट आया या नहीं हुआ, आया वो क्राइम सक्सीड हुआ या नहीं हुआ, केवल अबेट करना ही क्राइम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अबेटर जिस क्राइम को करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा है वो क्राइम हो या ना हो, इस दोनों ही केस में अबेटमेंट मानी जाएगी। और भले ही एक अबेटर किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को अबेट कर रहा हो जो कैपेबल ना हो क्राइम करने के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइल्ड हो या कोई इंसेन पर्सन हो या कोई पर्सन हो जो इंटॉक्सिकेटेड हो, इन केसेस में भी अगर वो अबेटर इन पर्सन को अबेट करता है और ये पर्सन क्राइम कर देते हैं या नहीं भी करते हैं, तब भी जो अबेटर है वो अबेटमेंट के लिए पनिश होगा। और इस केस में जो इंसेन पर्सन है, चाइल्ड है और या फिर जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है वो क्राइम के लिए पनिश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्राइम करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन जो अबेटर है उसने अबेटमेंट किया है तो उसको अबेटमेंट के लिए उस पर चार्जेस लगेंगे और उसको उसके लिए गिल्टी माना जाएगा। और रिजल्ट भी उसके लिए नेसेसरी नहीं था। और अगर कोई अबेटर कॉन्स्पिरेसी करता है किसी क्राइम के लिए, मानिए ए बी और सी तीनों मिलकर कॉन्स्पिरेसी करते हैं और जो सी है वो अबेटर है, वो सी बी से कहता है कि तुम जाके क्राइम कर दो और ए भी वहां होता है उनकी कॉन्स्पिरेसी में और बी वो क्राइम ना करे और ए जाके वो क्राइम कर दे, इस केस में भी सी जो है वो अबेटर माना जाएगा। ये थे कुछ पॉइंट्स अबेटमेंट के बारे में। थैंक यू।